मंत्री इमरती देवी ने आरोप लगाया है कि कमलनाथ मुख्यमंत्री रहते उनकी विकास कार्यों की फाइलें फेंक देते थे और कहते थे पैसा नहीं है। कमलनाथ सारा पैसा छिंदवाड़ा भेज देते थे। कांग्रेस सरकार को सड़क पर लाकर बीजेपी सरकार में मंत्री बनी इमरती देवी के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं। इमरती देवी ने पिछौर के महगांव में अपनी कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि कमलनाथ फाइलें फेंक देते थे और कहते थे पैसा नहीं है, ऐसा करके वो सारा पैसा छिंदवाड़ा भेज देते थे। मैंने श्रीमान ज्योतिराव सिंधिया से कहा था कि महाराज अगर बारकरी जिगरिया की नहर नहीं बनेगी तो अगला 5 साल का चुनाव इमरती देवी नहीं लड़ेगी। तो जब मैंने नहर कमलनाथ को अपनी फाइल लेके बारकरी जिगरिया लदेरा डैम और पिछोर में कॉलेज और पिछोर में बड़ी तहसील की जब भी फाइल लेके जाती थी तो कमलनाथ जी फाइल फेंक देते थे और कहते खजाना खाली है पैसा ही नन्ना। लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग होती तो मन में 3-4 जने वो इंग्लिश पढ़े थे गुरु सुनु करके और सारा पैसा कमलनाथ छिंदवाड़ा को ले गए, सारे मध्य प्रदेश को खाली करके पूरा पैसा छिंदवाड़ा ले गए। आप ही बता दो आपके बीच में मैंने जो वादे करे थे अगर उस काम को मैं नहीं कर पाती 1.5 साल में मैंने एक हेडपंप नहीं लगाया पाया कांग्रेस की सरकार में 1.5 साल में और आज शिवराज सिंह चौहान ने 5-5 मोटरें दी। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक झोपड़ी से महलों तक ठेलों से मेलों तक पगडंडियों से सड़कों तक गांव से शहरों तक व्यापार से उद्योगों तक राजनीति से कूटनीति तक दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।